आज बेसोदा नगर परिषद में बोर्ड मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें सीएमओ खेमचंद मूसले ने मौजूद सभी सदस्यों के समक्ष 5 एजेंडों को विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया। 4 पर सभी पार्षदों ने स्वीकृति जताते हुए टैंकर सप्लायरों की बकाया राशि के भुगतान पर और अधिक विचार विमर्श करने की बात करते हुए आगामी मीटिंग में लेने को कहा। 15 ही वार्डों के पार्षदों ने मीटिंग शुरू होने से पहले ही अपने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाते हुए दर्ज करने को कहा, तब जाकर मीटिंग शुरू हो पाई। बोर्ड मीटिंग में 5 में से 4 एजेंडों पर मौजूद समस्त पार्षदों ने सहमति जताई, जिसमें नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत समस्त वार्डों में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से स्वीकृत कॉलोनियां, भूमियों के अंतर्गत आने वाले समस्त भूखंडों, भवनों के नामांतरण व भवन अनुज्ञा, नगर के विभिन्न वार्डों में SDRF योजना अंतर्गत RCC नाले की निविदा में प्राप्त दर स्वीकृत, विभिन्न वार्डों में CC रोड निर्माण कार्य की निविदा में प्राप्त दर स्वीकृत, अमृत 2.0 योजना अंतर्गत जल प्रदाय योजना की संशोधित DPR की स्वीकृति दर। वहीं वर्ष 2021 ग्रीष्मकालीन समय में टैंकरों के माध्यम से किए जाने वाले जल परिवहन के टैंकर सप्लायरों के शेष रहे बिलों के भुगतान के संबंध में और अधिक विचार करने पर विचार विमर्श करते हुए अगली मीटिंग में लेने पर सहमत हुए। इस दौरान विकास व जनसमस्याओं के समाधान को लेकर बजट नहीं होने का हवाला देते हुए CMO मूसले ने टैंकर की बकाया राशि को चुंगी से आ रही राशि से भुगतान करने को कहा, तो सभी ने पेयजल परिवहन की बकाया राशि को शासन से मांग करने की बात कही। तत्कालीन समय में लगभग जल परिवहन के लिए तकरीबन 48 लाख की मांग की गई थी, जिसकी एवज में लगभग 12 लाख ही अभी तक स्वीकृत हो पाए। वहीं नवगठित नगर परिषद के लिए शासन से पर्याप्त बजट की मांग को लेकर पार्षदों ने आवाज उठाई, तो CMO बोले कि यह काम नगर परिषद अध्यक्षा का है। वहीं अध्यक्षा गायत्री पौराणिक मार्गदर्शक बनी रही। बेसोदा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल चौहान। झालावाड़ मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GM सैयद ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भवानी मंडी पचपाड़ क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। CMHO डॉक्टर सैयद ने बताया, राजस्थान सरकार व जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण सक्सेना ने उपखंड अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सत्यनारायण नरवरिया की उपस्थिति में 2 प्रतिष्ठानों से मावे के काजू कतली, 4 प्रतिष्ठानों से नुक्ति के लड्डू के सैंपल लेकर जाँच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा भिजवाया, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य कारोबारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधिक माप विज्ञान अधिकारी दुर्गेश गुर्जर द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत मिठाई के 7 डिब्बा तोलने, कांटों व तराजू में गड़बड़ी व असत्यापित कांटे पाए जाने पर चालान बनाकर ₹5,000 राजस्थान कोष में जमा करवाए, साथ ही मिठाई के 7 डिब्बा न तोलने हेतु पाबंद किया। निरीक्षण टीम द्वारा आमजन को जागरूक करवाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के मुखबिर योजना वाले पोस्टर्स विभिन्न प्रतिष्ठानों पर लगाए। निरीक्षण टीम में तहसीलदार सत्यनारायण नरवारिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण सक्सेना, प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह राठौर, सहायक बालमुकन अहिता ईश्वरचंद व ललित शर्मा उपस्थित रहे। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की भेंट चढ़ रही दिवाली, लेकिन इस बार सोयाबीन की फसल आ जाने से किसानों के हाथों में नगद राशि आ जाने का भारी उत्साह देखा जा रहा। वहीं व्यापारी भी बेहतर बिक्री की उम्मीद में बैठे हैं। दिवाली से पहले लगे त्योहारी हाट में भीड़ उमड़ने से दुकानदार खुश नजर आ रहे, बाजार सुबह से गुलजार नजर आ रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों से छोटे दुकानदार अस्थायी दुकान लेकर यहाँ पहुँचे। लोगों ने साप्ताहिक हाट में सजावटी सामान, रेडीमेड वस्त्र, रंग रोगन, किराना सजावटी सामान, पटाखे, बेलों, गायों को पूजने का सामान, लक्ष्मी पूजन का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मिठाई की दुकानें सजने लगी। बाजारों में त्योहारी खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ने लगी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस महकमा भी चाक चौबंद नजर आ रहा है। पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, नवनियुक्त CI राधेश्याम चौधरी मई जाप्ता प्रतिदिन पैदल मार्च कर रहे। चौमला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी।